सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ EBS का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है अ सी टेल अ फार्मर्स स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले पैराग्राफ पर हम आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, आई एम अ स्मॉल सीड। मैं एक स्मॉल सीड हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है ये। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। अब देखो ये एक बाजरा का सीड है, वो बता रहा है ये, ठीक है, अपने बारे में। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। मैं एक छोटा सा बाजरा का सीड हूँ। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। मतलब एक वुडन बॉक्स के अंदर वो है, ठीक है, और वो कह रहा है कि इस वुडन बॉक्स के अंदर मैं जो हूँ 1940 से हूँ। मतलब 1940 से लेकर वो उसी वुडन बॉक्स में किसी ने उसको रखा हुआ है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। मैं आपको अपनी एक स्टोरी जो है सुनाना चाहूँगा। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। ये एक लंबी स्टोरी है और दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, ये लंबी स्टोरी है बट नॉट माइन अलोन, लेकिन सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है ये, ठीक है। मतलब उसके जो दूसरे साथी सीड्स हैं उनके बारे में भी ये बताएगा हमें। इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामीजी भाई एंड हिज फैमिली। अब वो सीड बोल रहा है कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये उस फार्मर की स्टोरी भी है जिसने मुझे उगाया हुआ है। मतलब दामीजी भाई नाम का कोई किसान है जिसने उसको उगाया हुआ है। सो उसकी फैमिली की स्टोरी को भी ये यहाँ पर सुनाएगा ये बीज हमें। इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट। क्योंकि अगर मैं अभी अपनी अपनी कहानी नहीं सुनाऊँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। आई वॉज बोर्न इन बनगाम इन गुजरात। मैं जो हूँ, मेरा बोर्न कहाँ हुआ था, बनगाम गुजरात के अंदर हुआ था। That year there was a good bajra crop. उस साल जो है क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बाजरा की क्रॉप हुई थी उस साल, ठीक है। There was a festive mood in the village. मतलब जो विलेज था वहाँ पर उस वक्त काफ़ी अच्छा मूड था लोगों का, काफ़ी खुश थे लोग क्योंकि फसल उस साल काफ़ी अच्छी हुई थी। Next, our area was famous for its grains and vegetables. मतलब जो हमारा वो एरिया था वो grains और वेजिटेबल के लिए जो है फेमस था। Grains का मतलब होता है जो अनाज के दाने होते हैं उनको grains कहते हैं। ईच ईयर धेमाजी भाई kept aside some seeds from a good crop। मतलब हर साल क्या होता था, जैसे धामीजी भाई क्या करता था, कृषि करता था, कृषि करने के पास उसके बाद बीज आते थे, मतलब दाने आते थे उसके पास अनाजों के, तो वो क्या करता था, जो अच्छे अच्छे दाने होते थे, मतलब जो उसको सबसे अच्छे लगते थे, उनको जो है छांट के अलग रख लेता था। मतलब अगले साल उसको जो फसल की बुआई जब करनी होती थी तो उन सीड्स का वो यूज़ करता था जो उसने पहले वाले सीड से छांटे हुए होते थे, ठीक है। Each year Damiji bhai kept aside some seed from a good crop. This way our Bajra family went on from one generation to another. इस तरह से हमारी जो फैमिली है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती थी। मतलब क्या, जैसे एक बाजरा का सीड है, अब वो जब एक पौधा बन जाएगा उसका तो उससे बहुत सारे बाजरा के सीड और बनेंगे, तो इस तरह से जो वहाँ पर जो सीड मिलेंगे उनसे और बाजरा के पौधे बनेंगे। तो इस तरह से बोल रहा है कि जो बाजरा की फैमिली है इस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रही थी। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड विच वॉज कोटेड विद मड। अब यहाँ पर देखो, जो अच्छे सीड होते थे उनको क्या किया जाता था, दिस वे और बाजरा फैमिली। अच्छा यहाँ पर थे, गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड ग्राउंड विच वॉज कोटेड विद मड। अब देखो यहाँ पर जो अच्छे अच्छे सीड्स होते थे, जो दूसरा अनाज होता था वो उसको तो वो खाने के लिए यूज़ करता था वो धामीजी भाई, मतलब जो किसान था या उसको बेच देता था, लेकिन जो अच्छे अच्छे सीड्स होते थे छांट छांट के रखता था वो अगले साल के लिए, जब उसको अगले साल बुआई करनी होती थी उसके लिए रखता था, ठीक है। विद बट दैट ईयर धामीजी भाई, अब जो अच्छे अच्छे सीड्स होते थे उनको रखता कहाँ था वो। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दिस वे बजट ये हो गया, गुड सीड्स वर कोटेड इन ड्राइड गॉड। मतलब ये इस तरह एक तरह का एक आप इस तरह से मान लो कि कंटेनर होता था एक, उसके अंदर रखते थे, मतलब एक बर्तन टाइप का होता था उसके अंदर इन बीजों को रखते थे और उसको क्या करते थे, वॉज कोटेड विद मड। उसको जो है मड के साथ जो हो उसको कोट कर दिया जाता था, मतलब मड की एक लेयर उसके बाहर जो है चढ़ा दी जाती थी। नेक्स्ट, बट दैट ईयर धामीजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इस बार जो है धामीजी भाई ने, अब ये स्टोरी देखो यहाँ पर ये स्टोरी कौन सुना रहा है, ये स्टोरी सीड सुना रहा है, बाजरा का एक छोटा सा सीड है वो सुना रहा है ये स्टोरी, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, उस साल क्या हुआ था, जैसे बहुत ज़्यादा फसल हुई थी उससे पहले क्या होता था, इन बीजों को कहाँ रखा जाता था, एक कंटेनर के अंदर रखा जाता था, कुछ खास तरह के कंटेनर होते थे उनके अंदर रखा जाता था, उसको बाहर से मड के साथ क्या किया जाता था,
उसको लेयर चढ़ाई जाती थी उसके ऊपर, उस कंटेनर के ऊपर, ठीक है। लेकिन उस साल क्या हुआ, आप देखो ये क्या बोल रहा है, धामीजी भाई ने एक साल जो है इन सीड के लिए एक स्पेशल कंटेनर बनाया, मतलब एक अलग ही तरह का बर्तन बनाया इस साल उसने, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स। उसने क्या किया, हमारे बीच में क्या डाले, नीम की कुछ क्या कर दिए, यहाँ देख लो इधर, ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स। उसने इंसेक्ट से हमें बचाने के लिए हमारे अंदर नीम, जो नीम थी उसकी पत्तियाँ जो है डाल दी। अब नीम आपको पता है काफ़ी कड़वा होता है और उसको जब जलाते हैं तो काफ़ी खतरनाक धुआं निकलता है, और ये जो धुआं होता है मच्छरों के लिए मतलब काफ़ी खतरनाक होता है, मतलब मच्छर बिल्कुल नहीं आते अगर आप नीम का धुआं निकालते हो वहाँ पर। और दूसरा, नीम की काफ़ी दूसरे मेडिसिनल यूजेस भी है, तो नीम की पत्तियों को अगर हम इस तरह से जो ग्रेन्स होते हैं उनके बीच में डाल के रखें तो उनमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम संभावना होती है कि उनमें जो है कीड़े मकोड़े लग जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स दैट वॉज आवर ब्यूटिफुल होम। अब देखो उस साल क्या हुआ, पहले क्या करते थे, इन सीड को मतलब एक पुराने टाइप के बर्तन होते थे उनके अंदर डाल दिया जाता, लेकिन इस साल क्या किया धामीजी भाई ने, एक बहुत ही अच्छा घर बनाया इनके लिए, मतलब एक ऐसा बर्तन बनाया जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट थे, मतलब इस तरह से था, एक इस तरह से इस मतलब चैम्बर चैम्बर थे इस बर्तन में, इसमें किसी अलग टाइप का सीड डाला था, इसमें किसी अलग टाइप का, मतलब इसमें कोई और फसल डाली थी, इसमें कोई और फसल डाली थी, तो इस तरह से अलग अलग सीड्स के लिए अलग अलग उसने कंपार्टमेंट बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल घर की तरह इन सीड के लिए। नेक्स्ट, इन दोज डेज धामीजी भाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर। उस टाइम क्या था, धामीजी भाई और उसका जो कज़न था वो जो है साथ में रहते थे। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, उनकी जो है एक बहुत बड़ी फैमिली थी। Everyone in the village helped each other. सारे के सारे एक दूसरे की हेल्प करते थे। Even in farming, मतलब फार्मिंग में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे। When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. जब फसल क्या हो जाती थी, पक जाती थी और जब फसल को हार्वेस्ट किया जाता था तो उस टाइम क्या करते थे लोग जो है साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते थे। जैसे मान लो फसल पक गई या फसल की कटाई हो गई तो उसके बाद लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे और उसके बाद उसको सेलिब्रेट करते थे उस दिन को, ठीक है। Those wonderful days with big fish and lots to eat, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, उस टाइम क्या होता था, big fish and lots to eat, उस टाइम देखो बहुत ज़्यादा जो है खाने के लिए भी होता था उस टाइम, मतलब इसी तरह की इसी तरह की कोई ग्रेन्स की कोई कमी नहीं होती थी उस टाइम, ठीक है। इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू इन्जॉय द अंधिया अ काइंड ऑफ स्ट्यू। अब यहाँ पर देखो जो विंटर होता था वो किस क्या इन्जॉय करने का टाइम होता था, अंधिया को इन्जॉय करने का एक टाइम होता था। ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इन टू अ क्ले पॉट। अब देखो ये अंधिया क्या है, ये एक टाइप का जो है क्या है, ये एक टाइप का जो है पकवान है आपका, ठीक है। ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इन टू अ क्ले पॉट, सारी की सारी वेजिटेबल्स को जो है क्ले की पॉट के अंदर डाल दिया जाता था। पॉट मतलब, पॉट का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। सारी की सारी वेजिटेबल को कहाँ डाला जाता था, बर्तन के अंदर डाला जाता था। अलॉन्ग विद फ्रेश स्पाइसेस, साथ में क्या डाले जाते थे उनमें, फ्रेश जो है स्पाइसेस भी डाले जाते थे, स्पाइसेस मतलब मसाले भी डाले जाते थे। The pot was sealed and kept between hot coals. ठीक है, अब देखो क्या किया जाता था, द पॉट वॉज सील्ड एंड कैप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, उसको जो है हॉट कोल्स के अंदर डाल दिया जाता था। कब डाला जाता था, पॉट वॉज सील्ड, पहले उस बर्तन को क्या किया जाता था, अच्छी तरह से उसको क्या किया जाता था, सील कर दिया जाता था ताकि उसके अंदर कुछ घुस ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट, द वेजिटेबल्स कुक स्लोली इन द स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स, ठीक है। अब वो जो वेजिटेबल थी बहुत ही मज़े मज़े के साथ जो है धीरे धीमी धीमी आग में जो है वो जो है उसके अंदर की जो वेजिटेबल थी वो जो है पक जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, ओह आई फॉरगॉट द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ व्हाई द फिश डिश वॉज कॉल्ड उधिया और अपसाइड डाउन, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से है, आई फॉरगॉट मैं भूल गया था, द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, उसको जो है अंदर की तरफ हमने डाला हुआ था, ऊपर से अंदर की तरफ को डाला हुआ था। दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड उधिया और अपसाइड डाउन इन गुजरात। अब ये उधिया मैंने आपको कहा ये क्या है, ये एक पकवान है जो वेजिटेबल्स के साथ बनता है, ठीक है। कब बनता है, ये उस टाइम बनता है जैसे कोई भी फसल जैसे हार्वेस्ट हो गई तो उसके बाद जब वो इकट्ठा होते थे सारे के सारे लोग उसको इन्जॉय करने के लिए, मतलब उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो उस टाइम इस पकवान को जो है बनाया जाता था। उधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज, अब देखो इसको किसके साथ खाया जाता था, इसको जो है बाजरा की रोटी के साथ जो है खाया जाता था। फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा, जिनको कहाँ पर बनाया जाता था, चूल्हा के ऊपर बनाया जाता था। ओह व्हाट एन अर्थली डिलीशियस फ्लेवर, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, इतना अच्छा जो है डिलीशियस फ्लेवर होता था इसका। अब देखो ये सीड क्या है, ये जो है इमेजिनरी, मतलब ये जो है ऐसे ही बोल रहा है। अब जो सीड है ये कहानी कौन सुना रहा है, ये तो सीड सुना रहा है। अब सीड ने थोड़ी खाया हुआ है ये सब कुछ, लेकिन सीड ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है,
ठीक है, उसने उस टाइम को देखा हुआ है। अब देखो ये कितनी पुरानी बात है, ये सीड कितना पुराना है। इसने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इतना पुराना हूँ, तो इसने सब कुछ देखा है कि पहले क्या होता था। हालांकि खुद नहीं खाता था, लेकिन फिर भी इसने महसूस किया कि लोग उस टाइम इंजॉय करते थे उस टाइम को। नेक्स्ट, द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। अब देखो क्या है, जो फार्मर होते थे जितना उनको खाने के लिए चाहिए होता था, मतलब जितना उनका साल का कोटा होता था उसको तो अपने लिए रख लेते थे वो, ठीक है। लेकिन जो सरप्लस में उनके पास होते थे ग्रेन्स, मतलब जो ज़्यादा उनके पास ग्रेन होते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती थी, उनको वो क्या करते थे, सिटी में ले जाते थे और सिटी में उनको जो है शॉपकीपर्स को बेच देते थे। नेक्स्ट, सम फार्मर ऑल्सो ग्रो कॉटन, कुछ जो फार्मर्स थे वो जो है कॉटन भी ग्रो करते थे। नेक्स्ट, एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पिन कॉट ऑन अ चरखा टू मेक क्लोथ। अब देखो उस टाइम जो है लोग क्या करते थे, चरखे के ऊपर भी जो है कताई करते थे, है ना। उस टाइम जो है लोग जो है चरखे के ऊपर भी कताई करने का काम ये करते थे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर टेल ये क्वेश्चन आंसर तो हम बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन में हम बाद में करेंगे। व्हेन टाइम चेंजेस, व्हेन टाइम चेंज, अब देखो टाइम चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, अब ये सीड बता रहा है सब कुछ, क्योंकि उसने सारा टाइम देखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब टाइम चेंज हो गया तो इसको पता लगेगा कि टाइम चेंज हो रहा है और टाइम हो चुका है, ठीक है। अब कैसे लगा इसको पता, तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा। अब देखो क्या है, ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो वैसे वैसे गाँव में भी जो है अलग अलग टाइप के जो है चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सम प्लेसेज कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल, कुछ प्लेसेज को जो है सम प्लेसेज कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल, कुछ जो प्लेसेज है उनको कैनल के द्वारा जो है वाटर जो है पहुँचाया जा रहा है। अब कैनल क्या होती है, कैनल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक, मान लीजिए तालाब है, यहाँ पर तालाब है, नदी है, कुछ भी मान लो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नदी है, यहाँ पर इस तरह से मान लो कोई माउंटेन है या कुछ ऐसा ऊपर इस तरह से उभरा हुआ भाग है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आपका खेत है, आपका ही नहीं मान लो बहुत सारे खेत हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैनल का मतलब होता है, कैनल का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली जो है यहाँ से लेके खुदाई की जाएगी, मतलब एक रास्ता बनाया जाएगा पानी के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पहाड़ के बीच में से होके खुदा जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बीच से होके, ऊपर से खोदा जाएगा इसको जैसे, ठीक है, ऊपर से इसको खोदा जाएगा और यहाँ से पानी को आने के लिए रास्ता बनेगा यहाँ तक। अब यहाँ पहले यहाँ पर तालाब में पानी रहता था, लेकिन जब ये कैनल बन गई, कैनल का मतलब होता है एक रास्ता, और रास्ता भी कैसा, आर्टिफिशियल रास्ता, ठीक है, मतलब जिसको आदमी ने बनाया हुआ है एक रास्ता, जिससे इस पानी को हम जो है फील्ड्स तक ले जा सकते हैं, इसको हम कहेंगे कैनल, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी जो है क्या है, ये आपकी कैनल है, ठीक है, ये क्या है, कैनल है। या आप इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई तालाब है, यहाँ पर कोई तालाब है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए खेत है, यहाँ पर मान लो खेत है, यहाँ पर मान लो खेत है, ये मान लो आपके खेत है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर इस तरह से उभरी हुई कोई आकृति है, मतलब ये पानी यहाँ नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खोद के यहाँ तक करेंगे, ऊपर से खोदेंगे इसको, मतलब यहाँ तक खोदेंगे, फिर क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ आ सकता है, इसको हम कहते हैं कैनल, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, तो इस तरह से उस टाइम भी क्या हुआ, कैनल बनने लगे विलेजेस के अंदर, ठीक है। दे सेड द कैनल ब्राउट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बुलेट ऑन अ बिग रिवर, ठीक है। इस तरह से देख लो, जहाँ पर आपका कोई रिवर है, कोई आपका डैम है, तो वहाँ से कैनल के थ्रू जो है वाटर जो है अलग अलग फील्ड्स में जाने लगा। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, उसके बाद क्या आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है। अब देखो ये विलेज जो है बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहा है कि क्या क्या हुआ, पहले बिजली नहीं होती थी, लेकिन बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी जो है क्या हुई, डेवलपमेंट होने लगी, मतलब डिस्कवरी हो गई इसकी, और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट, एक बटन के ऊपर आप स्विच दबाओ और क्या होगा, लाइट आ जाती है, आज हम जैसे देखते हैं। People found that only one or two crops like wheat and cotton got better prices in the market. अब देखो क्या है, पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में जो है सभी फसलों को जो है बरीता दी जाती थी, मतलब समान फसलों को जो है, सभी फसलों को साथ साथ में जो है उगाया जाता था, मतलब समान रूप से उगाया जाता था, ठीक है। जैसे बाजरा हो गई, मक्की हो गई, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, अलग अलग टाइप के जैसे दालें हो गई, उनको उगाया जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो कुछ फसलें ऐसी है जिनका प्राइस तो काफ़ी हाई होता गया, लेकिन कुछ फसलें ऐसी है जिनका प्राइस जो है काफ़ी डाउन हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया, कुछ फसलों को तो प्रोत्साहन मिला, मतलब कुछ फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाने लगी और कुछ फसलें जो है बिल्कुल भी नहीं उगाई जाने लगी, मतलब उनका काफ़ी कम हो गया उनका प्रोडक्शन। जैसे हम देखते हैं बाजरा को, हम देखते हैं आजकल, हम देखते थे कि व्हीट और जो हमारा
जो गेहूं और चावल है उसकी खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन जो बाजरा और दूसरे मोटे अनाज है उनकी फसलें, उनकी जो आज हम देखते हैं कि उनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है आज आज की कृषि और जो पुरानी कृषि थी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, सो मोस्ट फार्मर्स बिगिन टू ग्रो ओनली दी सून वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड जवार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड। अब देखो ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अब क्या हो गया, टाइम गुजर गया है और लोग जो है कुछ विशेष फसलों को ही उगा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बाजरा और ये जवार जैसी फसलें हैं और जो कुछ दूसरी पुरानी वेजिटेबल्स है उनको जो है लोग उगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका अस्तित्व अब खतरे में पड़ने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या, ये स्टोरी कौन सुना रहा है, बाजरा का सीड जो है ये स्टोरी सुना रहा है। ठीक है, वर्ड फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड इवन फ्रॉम धामीजी बाई फील्ड, जो धामीजी बाई का फील्ड था ना, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उगाए जाते थे ये बाजरा और दूसरे ये जवार, वहाँ पर भी अब जो है किसी भी तरह का बाजरा जवार नहीं उगाया जाता। फार्मर्स इवन बिगिन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट। अब देखो फार्मर्स कहाँ से खरीदते हैं सीड, वो जो है मोस्टली मार्केट से खरीदते हैं सीड्स को। लेकिन पहले क्या होता था, अपने धामीजी बाई को देखकर वो क्या करते थे, जैसे उनकी जो फसलें होती थी उसी में से जो अच्छे अच्छे सीड्स होते थे उन्हीं को छांट के जो है अगली जो उनकी फसल होती थी उसमें मतलब बोने के लिए वो पिछली साल के सीडों को ही इस्तेमाल करते थे, मतलब जो अच्छी अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते थे उन्हीं का यूज़ करते थे। ठीक है, सो फार्मर्स डिज नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड। अब देखो लेकिन अब क्या है, अब लोगों को क्या करना पड़ता है, वो तो सारे के सारे सीड कहाँ से लाते हैं, वो तो मार्केट से खरीदते हैं सारे सीड्स। ठीक है, वो पुरानी फसलों से नहीं लेते, वो जो है मार्केट से खरीदते हैं सारे सीड्स। ठीक है, तो इसलिए वजह से क्या हो रहा है, सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर द सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। अब क्या है, अब लोगों को स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनने स्टोर करना क्यों, जैसे जो पुरानी फसल है उसको वो स्टोर ही नहीं करेंगे, उसके अच्छे सीड्स को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने क्या करना है, हमने नए सीड्स को मार्केट के अंदर से खरीदना है, इसलिए वो पुराने सीडों को जो है स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड ईट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। अब यहाँ पर देखो पहले क्या होता था, जैसे कुछ छोटे छोटे अगर कुछ कार्यक्रम होते थे, जैसे मान लो फसल की कटाई है, फसल की बुआई है, या फसल को काट लिया है, तो उस पर क्या होते थे, लोग गैदर होते थे, मतलब इकट्ठा होते थे और उसके बाद इन्जॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, इकट्ठे खाना बनाते थे उस दिन, जैसे कि हमने पीछे देखा। लेकिन आज क्या है, आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, आज कुछ रेयर केसेस होते हैं, कुछ ही हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनके अंदर हम इकट्ठा होके उनको सेलिब्रेट करते हैं। अब आजकल देखिए सारे के सारे लोग क्या है, अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी अपनी धुन में रहते हैं। ठीक है, उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, वो मिलजुल के जो है सेलिब्रेशन भी मिलजुल के करते थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुराने ज़माने में क्या था, पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के हमारे पास सीड रहते थे, अलग अलग टाइप के सीड रहते तो हमारे पास जो फूड था उसकी वैरायटी भी अलग अलग होती थी, मतलब अलग अलग टाइप के हमारे पास फूड रहते थे। लेकिन आज क्या है, हमारे पास लिमिटेड जो है वैरायटी है फूड की, जैसे राइस, और आज हम देखते हैं कि राइस और व्हीट ही है सिर्फ, ज़्यादातर तो यही हम उगाते हैं। तो जब तक हमारे पास वैरायटी नहीं होगी इन सीड्स के अंदर, या हम कहते हैं फूड के अंदर, अगर हमारे वैरायटी नहीं होगी तो हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर टाइप के फूड ही रहेंगे, नए टाइप के फूड हमारे पास रहेंगे नहीं, और हमारे पास जो है जो जायका जो है, जो टेस्ट जो है पुराने ज़माने में होता था, वो इस ज़माने में नहीं रहा, क्योंकि आज जो है हमारे पास वैरायटी नहीं है, आज हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज है, कुछ ही हमारे पास जो है सीड्स है जिनसे कि हम कुछ खास तरह की डिशेज़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टेस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने ज़माने में जो टेस्ट होता वो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि उस टाइम वैरायटी होती थी बहुत ज़्यादा हमारे पास फूड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धामीजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। अब जो धामीजी भाई है वो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली। अब जो है धामीजी भाई तो बूढ़ा हो गया, जो धामीजी भाई जवार और बाजरा उगाता था वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है, उसका जो बच्चा है, मतलब उसका जो बेटा है, वो कौन है, हसमुख है। ठीक है, लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली। उसके बाद जो है सारी की सारी फैमिली और फील्ड की जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई, धामीजी भाई के ऊपर, धामीजी भाई के बेटे हसमुख के ऊपर आ गई, क्योंकि धामीजी भाई बूढ़ा हो गया अब। ठीक है, हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख ने जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाया फार्मिंग से। ही रीबुल्ड द ओल्ड हाउस, उसने जो है अपने पुराने घर की मुरम, मतलब उसको दोबारा से बनाया। ही ब्राउट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, उसने जो है फार्मिंग के लिए मशीनें खरीदी। ही यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पम्प वाटर, उसने जो है इलेक्ट्रिक मोटर खरीदी है, मतलब वाटर को पम्प करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए उसने
क्या किया है, मोटर खरीदी है। ही बाउट अ मोटरसाइकिल टू गेट टू द सिटी ईजिली एंड ऑल्सो अट्रैक्टेड टू प्लो द फील्ड। उसने जो है एक मोटरसाइकिल भी खरीदा है ताकि वो सिटी तक आसानी से पहुँचा जा सके, और उसने एक ट्रैक्टर भी खरीदा है, ठीक है। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे, द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे वट द बुलॉक्स वुड मेक वुड टेक मैनी डेज टू डू। अब देखो यहाँ पर जो धामी जी भाई था उसके पास तो बैल होते थे, उसके पास बैलगाड़ी थी, जबकि जो हमारे पास ये हसमुख है इसके पास ट्रैक्टर है। अब जो बैलगाड़ी से जो काम जो है कई दिनों में हो जाता था, 10-15 दिन लग जाते थे एक काम को करने के लिए, उसी काम को ट्रैक्टर जो है कुछ घंटों में कर लेता है, ठीक है। जैसे खेत हो गया, देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, बैल होते थे। अब बैल एक बड़ा खेत है मान लो, उसको जिस मान लो एक ऐसा खेत है जिसको जोतने में जो है बैल जो है 10 दिन का समय लेते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट आ गए हैं जिनसे क्या होता है, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है जिनसे जो है 10 दिन जहाँ पर लगते थे हमें एक खेत को बीजने के लिए, तो आज हमें उसको बीजने के लिए मात्र कुछ ही घंटे लगते हैं, 5-10 घंटों में हम जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आज आ चुके हैं। हसमुख वुड से नाउ वी आर फैमिली फार्मिंग वाइजली। अब जो है हसमुख कहता है कि अब हम जो है काफ़ी चालाकी से जो है फार्मिंग करते हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। अब हम सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिनका कि हमें मार्केट में अच्छा प्राइस मिल सके। हम उन फसलों को क्यों उगाएं जिनका हमें प्राइस ही नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट, विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस। अब जो हमारे पास जो प्रॉफिट होता है इन फसलों से हमें, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को जो है बेटर कर सकते हैं, ठीक है, अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को जो है वो कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को बना सकते हैं, ठीक है। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड द अदर सीड्स हैड आवर डाउट्स, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस। अब यहाँ पर देखो, अब ये बीज देखो, अब ये बीज कैसे सुना रहा है अपनी स्टोरी। अब जो वो था ना धामी जी भाई ने इनको बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखा हुआ था, ठीक है। अब जो धामी जी भाई इनको भूल गया इन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो जो ये सीड थे ये सारा का सारा हमें पीछे का बता रहे हैं, क्योंकि ये इनको किसी ने इनको पता नहीं, किसी को पता नहीं कि ये बॉक्स के अंदर है, इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि इनने सब कुछ देख लिया इन सीड्स ने, ठीक है। लेइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड द अदर सीड्स हैड आवर डाउट्स, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, वो सीड आपस में बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये जिस चीज़ को ये प्रोग्रेस कह रहे हैं ना, ये मतलब पैसे का आना, ठीक है, इसको ये प्रोग्रेस कह रहे हैं। तो ये सीड आपस में बात कर रहे हैं कि क्या ये सच में प्रोग्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड लाइक अस एंड एनिमल्स लाइक द बुलॉक्स। अब देखो ये बोल रहे हैं कि आज देखो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, आज जो है इनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, जितने बहुत सारे एनिमल है ना, तो इन इंसानों को एनिमल्स की ज़रूरत है और ना ही हम जैसे सीड्स की ज़रूरत है, ठीक है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ केम इवन पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। अब देखो जैसे जैसे ट्रैक्टर आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सीड्स को तो रहने दो, पशुओं को भी रहने दो, जो ह्यूमन है वो भी बेकार होते जा रहे हैं। अब देखो पहले क्या होता था, पहले जो है खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती थी, तो बड़े बड़े ज़मींदार जो होते थे मज़दूरों को काम पर लगाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इंसानों की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब तो सारे काम क्या हो रहे हैं, सारे काम जो है मशीनों की मदद से हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, आर नो लॉन्गर नीडेड हाउ विल दे अर्न मनी। अब जो लोग ऐसे हैं जो बेकार हो गए, जिनके पास कोई काम नहीं है, जैसे देखो पहले ज़मींदार क्या करता था, लोगों को हायर करता था, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था अपने खेतों में काम करने के लिए, अब उनको बुलाता था, उससे उनके पास मनी आता था उन मज़दूरों के पास। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो मशीनें आ गई, तो अब जब मशीनें आ गई तो उनको मज़दूरों का क्या होगा अब, ठीक है, उनको कहाँ से मिलेंगे पैसे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल दे लिव ऑन, अब वो कैसे जिएंगे, मतलब अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कैसे करेंगे अब। सो ये था इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट, सेकंड पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।